नमस्कार, किसान तक के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जायद की फसलों को कीटों के हमले से कैसे बचाएं। साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे कि किसान भाई कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। देश में 15 फरवरी से ही जायद की फसल की तैयारी शुरू हो जाती है। गर्मी में खाई जाने वाली सब्जियां जायद के सीजन में ही उगाई जाती हैं। किसान फरवरी महीने में ही तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई की नर्सरी तैयार करते हैं। मार्च के अंत तक फसलों की बुआई हो जाती है, जिसके बाद अप्रैल महीने से इन फसलों की पैदावार किसानों को मिलने लगती है। जायद के सीजन में किसानों को अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इन दिनों फसल पर अलग अलग तरह के कीटों का आक्रमण होता है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए कीट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्वेश सिंह ने किसानों को सलाह दी। उन्होंने बताया कि किसान को सब्जी की नर्सरी के लिए जमीन को तैयार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि फसल को जमीन के कीड़ों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। जायद की प्रमुख फसलों में कद्दू, वर्गीय सब्जी के अंतर्गत लौकी, कद्दू, खीरा और तरबूज की नर्सरी किसान फरवरी में ही तैयार करते हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग के प्रमुख कीट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्वेश सिंह ने किसान तक से बात करते हुए बताया कि जायद की फसलों की नर्सरी तैयार करते हुए किसानों को जमीन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इनकी फसलें हैं, जायद की फसलों में आप लोग अवगत हैं कि जायद की जो भी हमारी सब्जियां हैं, इनकी लगभग फरवरी 15 फरवरी से मार्च तक हम इनकी ट्रांसप्लांटिंग या बुवाई कर देते हैं। तो प्रमुख हमारी सब्जियों में आएगी जितनी भी कुकरबिट्स हैं, कुकरबिट्स की यदि हम बात करें, खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, लौकी है, स्पॉन्ज गार्ड है, सारी सब्जियों की हम नर्सरी तैयार करते हैं। और इनमें जो मेन समस्या रहती है कि सबसे बड़ी समस्या, जब हम पौध को शुरू की अवस्था से जब हम लगाते हैं, तो सबसे बड़ी इसकी समस्या जड़ से एक डैम्पिंग आप बीमारी लगती है और निमेटोड। तो उसके लिए जो भी हम पौधा को हम जिसे पॉट में लगा रहे हैं या जिस पॉट गमले में लगा रहे हैं, तो उसकी मिट्टी को आपको भूमि शोधन कर लेना चाहिए। भूमि शोधन के लिए जैसे कि आपको ट्राइकोडर्मा बायोफंजीसाइड आता है, उसको जो है 2 से 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 60 से 70 किलोग्राम गोबर की खाद में अच्छी तरीके से मिला लें, प्लस उसके साथ में नीम की खली जो आती है, जो दीमक और निमेटोड के कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है, नीम की खली को उसमें मिलाना चाहिए। और एक फंजीसाइड, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, कार मुझे गमले में लगाना हो या कहीं खेत में लगाना हो, फिर उस मिट्टी को हम वहाँ पर भर के पौधे को ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारी जड़ से लगने वाली बीमारी हैं या कीड़े हैं, जैसे हम बात करते हैं दीमक की बहुत समस्या आती है, या डैम्पिंग आप है, राइजोक्टोनिया बीमारी है, जो जड़ से शुरू होती है, उससे आपका प्रभाव खत्म हो जाएगा। जब पौधा जैसे जैसे हमारा बड़ा होता है, तो उसकी पत्तियाँ कुछ मुलायम होती हैं, तो बहुत से कुछ ऐसे हमारे चूसक कीट हैं जो पत्तियों पे बैठ के पत्तियों से रस चूस लेते हैं। उससे क्या होता है, पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं और बेंस की डेथ होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। उससे प्रभाव क्या पड़ता है कि पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाती हैं। जब पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाएंगी, स्वाभाविक बात है उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ जाएगा, और बुरा प्रभाव पड़ते उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ जाएगा, या तो पौधा सूख जाएगा या मर जाएगा, या तो फिर बहुत ही कम उत्पादन होगा। तो इसके लिए सबसे जो प्रमुख ये कीट इसमें हमारे कुकरबिट्स जितने हैं, चाहे लौकी है, कद्दू है और खीरा है, तरबूज, एक रेड पंपकिन बीटल लगता है जो लाल कलर का कीड़ा होता है और उसके ऊपर काले कलर की छोटी छोटी बिंदे टाइप के स्पॉट्स होते हैं, रेड पंपकिन बीटल उसको बोलते हैं। वो क्या करता है कि पत्ती के ऊपर चलता है और चलते चलते पत्ती के को काटता है और पत्ती को खा लेता है, तो उससे है हमें बहुत सारा नुकसान पहुँचता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले तो हमें ये करना चाहिए कि कोई भी यदि हमारा आर्थिक स्थिति से यदि वो कीड़ा हमारा कम है, तो सबसे पहले हमें बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अधिक जो जहरीले रसायन हैं, क्योंकि ये सब्जियां हैं, सब्जियों को हम लोग खाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए जो भी हमारे बायो पेस्टिसाइड हैं उनका प्रयोग करें। यदि इनकी संख्या बढ़ गई है, बायो पेस्टिसाइड से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तभी हमें अधिक जहरीले रसायनों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो बायो पेस्टिसाइड की हम बात करें, तो सबसे पहले एक नीम ऑयल आता है जो एजा डायरेक्टिन के नाम से रहता है, 1500 ppm और 3000 ppm के नाम से रहता है, जिसमें नीम का तेल रहता है।
तो नीम के तेल को आप ले आइए और लगभग 4 से 5 ml नीम के तेल को 1 लीटर पानी में मिला के अपनी आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतर पर 2 छिड़काव करने चाहिए आपको। यदि आपको लग रहा है कीट नियंत्रण हमारा आर्थिक स्थिति से इसकी संख्या बढ़ गई है और इसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तब उसके लिए आप जो है कोई सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, जैसे कि मेलाथियन ले लीजिए जो सब्जियों के लिए, क्योंकि वैसे इमिडाक्लोप्रिड पर हमको कोशिश करनी चाहिए सब्जियों में डालने के लिए जो भी कृषि रक्षा रसायन हैं जो कम घातक हैं, कम जहरीले हैं, उन्हीं रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे रसायनों का हम प्रयोग करते हैं, रसायनों के प्रयोग करने के बाद में कम से कम हमको 1 हफ्ता या 10 दिन तक उस सब्जी को या उस फल को प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम रासायनिक प्रयोग कर रहे हैं वो जहर हैं और उनका लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तक फल या सब्जी पर उसका रेजिड्यू इफेक्ट रहता है, तो उससे जो भी हम फल या सब्जी खाएंगे उससे हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कम से कम उसको 8 से 10 दिन बाद ही तोड़कर अपना मार्केट में ले जाएं या जो भी प्रयोग करना है तब उसका प्रयोग करें। दूसरा, एक इसमें और पत्ती सुरंगक कीट लगता है जो पत्तियों पर सफ़ेद कलर की धारी धारी सा बना देता है, सफ़ेद सफ़ेद सी धारियां बन जाती है जिसे पत्ती सुरंगक कीट कहते हैं। उससे क्या होता है कि जब वो कीड़ा पत्ती पर चलता है तो सफ़ेद सफ़ेद सी धारियां बन जाती हैं और फोटोसिंथेसिस के उसमें जो है प्रभाव से पत्ती पर इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए भी यदि आपको चाहिए तो सबसे पहले नीम के तेल का स्प्रे करें, और नहीं तो सबसे पहले इसके लिए एक बायोपेस्टिसाइड भी आता है मेटाराइजियम एनिसोप्ली, उसका स्प्रे करना चाहिए। और ये उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तभी जो हमारे कृषि रक्षा रसायन है, जैसे कि हम बात करें डाइमिथोएट या इमिडाक्लोप्रिड है, उसको 1 से 2 ml को दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से उसको घोल के रसायनों का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाई इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जिन सब्जियों में उन्होंने कीटनाशक का प्रयोग किया है खाने के लिए या बेचने के लिए उसका इस्तेमाल 1 सप्ताह के बाद ही करें। 1 सप्ताह के बाद सब्जियों में कीटनाशक का प्रभाव कम हो जाता है जो हमारी सेहत को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। अगर तुरंत इन सब्जियों को तोड़कर प्रयोग करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान सेहत पर होगा। ऐसी ही खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ।